बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तस्लीमा ताह लीगल क्लिनिक के साथ एडवोकेट ज़ाहिदा सादिक हाजिर हूँ। तकसीबी निकाह यानी निकाह का झूठा दावा, जिसे इंग्लिश में जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज भी कहा जाता है, से मुराद ये है कि एक शख्स निकाह के वकूअ पज़ीर होने के बारे में कहे और दूसरा उससे इनकारी हो। ऐसा केस फाइल करने का हक उस शख्स के पास होता है जो ऐसे निकाह के बारे में इनकारी हो। ऐसा शख्स जो कि ऐसे निकाह के वकूअ पज़ीर होने से मुतालिक इनकारी हो, तो उसके पास इख्तियार है कि वो सूट फॉर जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज फाइल कर सकता है और ऐसे शख्स को जो कि ऐसे निकाह का दावेदार हो बाज रख सकता है। तकसीबी निकाह का दावा मुतासर औरत या मुतासर मर्द या उनके बच्चे या वालदैन या कोई भी ऐसा शख्स जो कि ऐसे निकाह के सच्चे या झूठे होने के बारे में मुतासर हो, ऐसा दावा फाइल कर सकता है। तकसीबे निकाह का केस इस सूरत में भी फाइल हो सकता है कि जब कोई शख्स बड़ी चालाकी के साथ धोखे फरेब और जालसाजी के साथ निकाह नामा बनवा कर औरत के इल्म में लाए बगैर उसके दस्तखत और निशानी अंगूठा हासिल कर ले और बाद में क्लेम करे कि वो उसकी बीवी है। ऐसी सूरत में ऐसी मुतासरा औरत कोर्ट के ज़रिए से ऐसे इंसान को बाज रख सकती है कि वो उसे अपनी बीवी कहने से बाज रहे। बट्टा साटा की शादियों की सूरत में भी ऐसा देखने में आया है कि क्योंकि एक शादी के बदले दूसरी शादी के करने की शर्त होती है, तो ऐसी शादी जिसके करने की शर्त फ्यूचर में होती है, तो मुतलका फ़र्द ऐसी लड़की को अपनी बीवी कहना शुरू कर देता है। इस तरह के केसेस में भी औरत अगर चाहे तो वो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करके ऐसे शख्स को बाज रख सकती है कि वो उसे अपनी बीवी ना कहे। कुछ इलाकों में बचपन की शादियों का रिवाज होता है, ऐसा निकाह नहीं हुआ होता, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में एक प्रॉमिस होता है तो समटाइम ऐसी बच्चियों को लोग अपनी बीवी कहना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी बच्ची चाहे तो जेक्टिटेशन और मैरिज का केस फाइल करके अपना दिफा कर सकती है। आला अदालतों के बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं कि जिसमें अगर तकसीबे निकाह का केस साबित ना भी हो तो भी औरत के पास ये इख्तियार रहता है कि तनसीख निकाह की डिग्री हासिल करके वो ऐसी शादी को फसख कर सकती हैं। तकसीबी निकाह के ऐसे केसेस में अदालतें इंतहाई एहतियात से काम लेती हैं और बारीक बीनी से शहादतों का अमली जायज़ा लेती हैं। निकाह गवाह, पेश होने वाले गवाहान, दुल्हन के वकील की तकर्री के गवाहान और निकाहनामे और उसकी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ के तमाम अहम चीज़ों के ऊपर गौर वख़ोस करके फ़ैसला सादर करती हैं, क्योंकि ये इंतहाई अहम मामला है। व्यूवर्स, इस टॉपिक से मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।